हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड जो आपका होता है उसका ऑटो पेमेंट कैसे बंद करें। कई बार दोस्तों आप अपनी HDFC क्रेडिट कार्ड को ऑटो पेमेंट रखते हो तो उसको कैसे बंद करना है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। कोई भी AMI आप भरते हो या कुछ भी आपको भरना रहता है तो आपका ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, तो उसे क्लोज करना है, बंद करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले आप देख सको। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जो आप अपने मोबाइल से भी करवा सकते हो बंद एक जीमेल के थ्रू। तो आइए ओपन करते हैं सबसे पहले जीमेल और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही फॉलो करना है जिससे आपका ऑटो पेमेंट बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नाम सरनेम के साथ आपको लिखना है जो नाम आपका बैंक में था। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए क्योंकि जब आपका बंद होगा तो आपको मैसेज आएगा या ईमेल आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके आपको रिक्वेस्ट लिखना है। रिक्वेस्ट में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में लिख सकते हो या फिर मेरा कॉपी भी कर सकते हो जैसे मैंने लिखा है, प्लीज़ क्लोज माय HDFC क्रेडिट कार्ड ऑटो पेमेंट। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, तो सब्जेक्ट में आपको छोटा सा लिखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोज माय HDFC क्रेडिट कार्ड ऑटो पेमेंट। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको ऊपर ईमेल आईडी दिख रही होगी, मैंने डाला है support@hdfcbank.com। ये जीमेल आईडी आपको लेना है और कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्लू कलर का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करके सेंड कर देना है। नीचे सेंड का मैसेज आता है और आप सेंड में भी इनबॉक्स में भी अपने जाके चेक कर सकते हो। 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हो आपका ईमेल सेंड हो गया है। जब आप सेंड करोगे तो आपको 10 से 15 मिनट में एक ईमेल आ जाएगा और उसमें आपको लिखा रहेगा कि 2 से 3 दिन में आपका ऑटो पेमेंट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको बंद करना है अपना HDFC क्रेडिट कार्ड ऑटो पेमेंट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।